बचपन से ही हमनी के दादा दादी या नाना नानी या फिर हमनी के बरजना लोगन हमनी के माटी या फिर घास पर नंगे पांव चल के बोलत हलन जा। हमनी के पुरानिया हमेशा ऐसा बात बोलत हलन जा, बकिर उ लोग त बिना चप्पल या फिर सबात के उ लोग घरे पर या फिर सीमा पर चलत हलन जा। का आप लोग ई जाने लजा कि घास पर नंगे पांव चले के कौन कौन फायदा बाते? सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। आज हमनी बात करब जा घास पर नंगे पांव चले के कौन लाभ बाते और एकर से जुड़ल वैज्ञानिक तथ्य। आज के ई भागादौड़ी जिंदगी में कोनो आदमी के पास समय नहीं बाते, बकेर अगर आप रोज के रोज फजीरे फजीरे घास पर नंगे पांव चलबा तो आपके ढेरों फायदा मिली। घास पर बिना चप्पल या सबाता के साथ चले के नेचुरल थेरापी के एगो अप्रोप्रिएट तकनीक है जो मनुष्य के प्रकृति से जुड़ेला। जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिक के एगो स्टडी में ई बतावल गल बाते कि आज के लोग अब तक के सबसे खराब समय गुजरत हवन जा, कहे कि उ लोग पर्यावरण माने कि एनवायरनमेंट और उ नेचर माने कि प्रकृति के संगे कोनो जुड़ाव नहीं बाते, माने उ लोग ओकर संगे कोनो कनेक्टिविटी नहीं बाते। स्टडी में ई दावा करल गल बाते कि अगर धरती के इलेक्ट्रॉन से इंसान जुड़ जाए तो उनकर जीवन में कई गो मनोवैज्ञानिक बदलाव माने कि साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होए और ई ओवरऑल डेवलपमेंट खातिर भी एगो वरदान नियन बाते। प्रकृति हमनी के बहुते चीज देवेला, बस खाली ओकर निमन से प्रयोग करे के चाही, तब भी हमनी के जीवन आसान हो जाए। अगर हम प्रकृति के समझे के और ओकर से जुड़ल फायदे के बारे में बतियाब जा त हमनी के लाइफस्टाइल से जुड़ल बाती जन बात आप लोग जाने लजा प्रकृति के बारे में और ओकर लाभ के बारे में भी जाने लजा, बकिर इतना गहराई के संगे आप उ सब लाभ नहीं जाने लजा। अगर फजरे फजरे नंगे पांव घास पर चलबा त आपके कई गो फायदा मिली। ई लाभ देह से लेकर कपार ले मिलेला। सबसे पहले आंख खातिर लाभदायक बाती, घास पर फजीरे फजीरे नंगे पांव से चले के आंख के रोशनी आर जस्ती तेज बन जाला। डॉक्टर लोगन के अनुसार जब हमनी नंगे पांव से घास पर चलब जा त चले बखत हमनी के दोनों गोर के अंगूठा आर ओकर दोनों पहले गो उंगली पर प्रेशर पड़ेला। ई ऐसन पॉइंट्स हवन जे एक्यूप्रेशर के अनुसार अगर नियमित रूप से दबावल जाए त आंख स्वस्थ रहेला। अपन गोर पर बिना सबत पहने अगर आप घास पर चलबा त तन और मन में शांति मिली। कहे कि जब घास पर नंगे पांव के संगे चलबा त आपकी गोर एकदम रिलैक्स महसूस करी। अगर आपके गोर में कोनो प्रकार के दर्द या फिर तकलीफ बाते वो भी कमती हो जाए। एकर संगे संगे फजीरे फजीरे के जो ठंडा वातावरण बाते उमें नंगे पांव के चलला से मन और दिमाग के ठंडक मिलेला और कपार एकदम शांत रहेला। तब ऐसन बखत में आप तरोताजा भी महसूस सक बजा करी जिमें पूरा दिन भी निमन से गुजरी। अगर फ्रेश ऑक्सीजन मिले के खोजत हुआ तब ब्रह्म मुहूर्त के बेरा में उठ के नंगे पांव घास पर चलिया जा, हरियाली के बीच में रहिया जा और फ्रेशनेस माने की ताजगी के महसूस करिया जा। जब आप घास पर नंगे पांव चलबा तो आपके देह के मैग्नेटिक तत्व मिलेला। विज्ञान के अनुसार धरती के भीतरे एक प्रकार के चुंबकीय माने मैग्नेटिक तत्व रहेला। अब बिना जूता के हमनी जमीन पर चलब सा तो धरती के ई मैग्नेटिक तत्व के कांटेक्ट में रहब सा। ई कांटेक्ट से हमनी के देह से जुड़ल कई गो बीमारी अपन मने दूर हो जाए। फजीरे फजीरे अगर आप नंगे पांव से घास पर चलबा तो आपको सुकून मिली और रात के निमन से नींद मिली सुते के। काहे कि घास पर नंगे पांव के चलला पर ई एगो स्लीपिंग पिल नियन रहेला। अगर रोज के रोज घास पर चलबा माने एगो मॉर्निंग वॉक करबा तो आपके
स्लीपिंग पैटर्न में पॉजिटिव चेंजेस माने कि सकारात्मक बदलाव होए, आपके दिमाग में आर जस्ती मतलब उधेर एक्टिव हो जाला आर स्ट्रेस से दूर रहबा, कहे कि ग्रीन एनवायरनमेंट के संगे आपके कनेक्टिविटी आर जस्ती मजबूत रहेला, ऐसन बखत में मन में भी जस्ती शांति मिलेला। जब हमनी अपन गोर में जूता डाली ला सा त ई हमनी के गोर के रक्षा करेला। बकर जूता के पहनला से हमनी के गोर धरती के एनर्जी के नहीं मिलेला। एकर मतलब ई नहीं है कि अब जूता नहीं पहनवा, नहीं बकर सार अर्थ ई है कि अगर फजीरे फजीरे 10-15 मिनट ले घास पर नंगे पांव चलबा त आपके बहुत ही फायदा मिली। जी हाँ, धरती में जोन इलेक्ट्रॉन सा मौजूद बाते नंगे गोर के चलला से हमनी ई इलेक्ट्रॉन्स के अब्सॉर्ब करेला सा, जेमे हमनी के देह के एगो संतुलन मिलेला। साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार ऐसन मेथड के अर्थिंग बोलल जाला। घास पर नंगे पाँव से जब आप चलबा तो क्रोनिक दर्द भी आर एकर संगे संगे इन्फ्लामेशन भी कमती हो जाए, एनर्जी लेवल भी अच्छा रही, आप तनाव से दूर रहबा, वारिस से जुड़ल दर्द भी कमती हो जाए और सर्दी में आपकी गोर गर्म महसूस होई। जब आप नंगे पांव से घास पर चलबा तो आपके दिमाग के बैलेंसिंग सिस्टम आर जस्ती स्टिमुलेट हो जाए। ये खासकर बर्जना लोगन खातिर बहुत ही लाभदायक बाती। गोर से जुड़ल समस्या भी कमती हो जाए। जब आप एगो गलत जूता पहनबा तो गोर में कई गो प्रकार की समस्या और दर्द आवेला, जिमें कैलिसेस माने कि आपकी गोर पर एगो दूसर प्रकार के हार्ड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज शुरू होवेला, ब्यूनियंस माने आपकी गोर के अंगूठा पर दर्द और आपकी गोर के उंगली के भीतरे गलत तरीके से नाखून भी बढ़ेला। जब आप नंगे पाँव से घास पर चलबा तो इस सब समस्या कमती हो जाए। एकर संगे संगे ऑफ्रिटिस माने वात रोग भी कल्ले कल्ले दूर होवेला और गोर के उंगली आर जस्ती मजबूत और फ्लेक्सिबल माने कि लचीला हो जाला। जब हमने जूता पहनीला सा तो हमने के गोर उही जूता के शेप माने आकार के अनुसार अपन पोजीशन ले लेवेला और एकर असर हमने के पीठ कंधा और गला पर आवेला। बकेर जब नंगे पाँव हमने चलब जा खासकर घास पर तो ओकर कंट्ररी हो जाला। जब हमनी धरती के महसूस करीला सा तो हमनी के गोर के उंगली के टर्मिनल नर्व्स के एगो बैलेंस के मैसेज मिलेला। एकर से दै के मुद्रा माने कि पोस्चर आर संतुलित हो जाला, उमें सुधार आवेला। अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार छोटका लड़का के नंगे पाँव से घास और माटी पर चले के चाहिए, कहे कि जस्ती समय से जूता के पहनला से लड़का की गोर डिफो में हो जाए। अमेरिका के सबसे अनुभवी और प्रसिद्ध न्यूरोप्लास्टिक फिजिशियन डॉक्टर मर्जेनिच के अनुसार नंगे पांव चले बखत मेमोरी माने की स्मरण शक्ति, ध्यान माने की अटेंशन, कंसेंट्रेशन माने की एकाग्रता और अखिल बुद्धि के आर जस्ती तेज हो जाला। अगर गोर में दर्द होवा था तो फजीरे फजीरे घास पर चले के चाहिए, इसे आपके गोर के मसल्स माने कि मांसपेशी के आराम मिलेला और दर्द भी फीनी हो जाला। रिफ्लेक्सोलॉजी विज्ञान के अनुसार जब हमनी नंगे पाँव पर चलीला सा तो हमनी के गोर में दूसरका और तीसरका उंगली पर सबसे जस्ती दबाव माने कि प्रेशर पड़ेला। फजीरे फजीरे के घास में ओस के बूंदे होवेला माने जेकरा हमनी जू बोली ला सा ना, इसे हमनी के आँख के स्वास्थ्य आर जस्ती मजबूत रहेला आर एकर संगे आँख के दृष्टि भी उमें सुधार आ जाला। घास पर नंगे पाँव पर लगातार चले के चाहिए, कहे कि हमनी के नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से संचालित होवेला। असंतुलित भोजन और कमजोर जीवन शैली से जुड़ल समस्या भी कमती हो जाला और एकर खातिर आपको नंगे पाँव चले के चाहिए घास पर, कहे कि ग्राउंडिंग एगो प्रभावी उपाय होवन, इसे आपके जीव के ढेर गो लाभ मिलेला। यही खातिर रोज के रोज फजरे फजरे 10-15 मिनट ले आप अपन घर के बहरा जाके जहां पर घास बाते ओके
हौजा जाके नंगे पाँव के संगे घास पर जइया जा और तनी सन चलबा जा, खासकर मन में आर ज्यादा शांति आर खुशी मिली। फजीरे फजीरे नंगे पाँव से घास पर चले की चाहिए, तब आपको मिली विटामिन एन। अब आप सोचत हो वजह कि विटामिन एन का है, कहाँ से आवेला? जी हाँ, प्रकृति और मनुष्य के एगो गहरा संबंध बाते इपर रिसर्चर्स की बगल से कई गो खोजपूर्ण कार्य करल गल बाते। रिसर्चर्स के अनुसार घास पर नंगे पाँव अगर चलबा तो आपके ढेर गो एनर्जी माने कि ऊर्जा मिली है। ये एनर्जी के विटामिन एन नाम देवल गल बाते। विटामिन एन प्रकृति के देन है। लंदन के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में करल गल एगो शोध में ई बतावल गल बाते कि जोन आदमी जस्ती से जस्ती प्रकृति के भेड़ी रहे लंजा और ढेर समय हौजा बितावे लंजा, खासकर नंगे पाँव पर चली लंजा घास पर, तो उन लोग के दिल के बीमारी दूर होवे के ढेरों संभावना बाते। तनाव माने कि स्ट्रेस और रक्तचाप माने कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करे के भी आर जस्ती शक्ति मिलेला। आपके दे में एगो संतुलन स्थापित हो जाए, एकर संगे संगे हमनी के दे के इम्यून सिस्टम माने कि प्रतिरोधात्मक शक्ति आर जस्ती मजबूत होवेला। जब आप नंगे पैर चलबा तो आपके गोर की जस्ती ऑक्सीजन मिली, इसे हमनी के रक्त संचार माने कि ब्लड सर्कुलेशन निमन से चलेला। एगो दूसर रिसर्च में ई बतावल गल बाते कि रोज के रोज खाली आधा घंटा आप अपन बगीचा में रहब, तनी सन गार्डनिंग करब तो और खासकर नंगे पाँव पर चलब तो आपके भीतर के जितना जो दुख और तनाव बते वो कमती हो जाए। तो आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते। जब आप घास पर नंगे पाँव चलब तो आपके दें के ढेरों फायदा मिली। तैक्रवे संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम ई बखत समाप्त होवता। आवत बुद्ध के फिनो से एगो ऐसन दिलचस्प और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लेके आवब जा, तबले अभी उदय के बगल से सबको एक नमस्ते और प्रणाम।